Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बैरूने मुल्क ऑफशोर कंपनियों के कयाम, लंदन फ्लैट्स और मिल रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बच्चों और दामाद की गैर हाजिरी पर एहतसाब, अदालत बरहम। हसन नवाज, हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर के नाकाबले जमानत और मरियम नवाज के काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वजीर आजम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 9 अक्टूबर तक। अचानक रेंजर्स नमूदार हुए हैं, कस्टडी टेक ओवर कर ली। मैं बहसियत इंटीरियर मिनिस्टर इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता। रेंजर्स इज सबॉर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट क्या है। देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। नवाज शरीफ की पेशी पर एहतसाब अदालत के बाहर बदनज़मी। वज़ीरे दाखला एहसन इकबाल, राजा जफरुल हक और दीगर वज़रा को अदालत नहीं होने दिया गया। रिपोर्टर्स को इहाते अदालत से निकाल दिया गया। जब वहां पर रेंजर्स के मुकामी कमांडर को बुलाया गया, वो रूपोश हो गया, वो नहीं आया। चीज ऐसी है कि जो काबिल कबूल नहीं है। वजीर दाखला एहसन इकबाल एहतसाब अदालत के बाहर की सूरत हाल पर शदीद बरहम। कहा रेंजर्स ने कमिश्नर की बात मानने से इनकार कर दिया और अदालत की सिक्योरिटी संभाल ली। रेंजर्स के कमांडर को बुलाया तो वो रूपोश हो गया। ये नहीं हो सकता कि मेरे मातहत इदारे किसी और से हुक्म ले जिसने खिलाफ कार्रवाई हो। जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसे उसके खिलाफ डिसिप्लिन लिया जाएगा। मार्शल लॉ में बंद कमरों में ट्रायल होते हैं। मैं इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता। रियासत की रिट चैलेंज की गई तो इस्तीफा दे दूंगा। एहसन इकबाल। ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट क्या है। देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। खाजा साद रफीक कहते हैं अगर मीडिया कार्रवाई की निगरानी नहीं कर सकता तो ये ओपन कोर्ट नहीं, अदलिया को मामले का नोटिस लेना चाहिए। हमारे साथ तो ये होता रहा है मगर हम फिर भी खड़े होते। आवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि इंसाफ नहीं हो सकता। रेंजर्स कमांडर की दानियाल अजीज से अदालत के गेट पर मुलाकात। कहा रोकने का हुक्म मैंने नहीं दिया, अंदर आना चाहते हैं तो अंदर आ जाएं। गुफ्तगू के बाद दानियाल अजीज और अदालत जाकर कार्रवाई सुनी। वालदा की बीमारी के 22 बच्चे पेश नहीं हुए। हमारा दामन साफ है, अदालतों से नहीं भागेंगे। झूठे और बेबुनियाद केसेस से सियासतदानों की सियासत खत्म नहीं होती। शरीफ फैमिली के वकील मोहसिन रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। हमें खदशा है कि आसिफ जरदारी हुकूमत के साथ लें। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए बेहतर है कि खुर्शीद शाह ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दें। तहरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू। बाबर अवान कहते हैं एहतसाब अदालत में किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता, रोकना है तो कार्रवाई को इन कैमरा कर। एहसन इकबाल बताएं रियासत के अंदर रियासत कौन है, मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों निकाला की अगली किस्त है। तो सारे कह रहे हैं कि ये जो मुझे क्यों रोका है ना, ये मुझे क्यों निकाला की अगली किस्त है और ताजा किस्त। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के लिए नून लीग की कानूनी और सियासी हिकमत अमली तैयार। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की मुलाकातें, मुशावरत और इजलास। सेनेट से मंजूरी के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल आज कौमी असेंबली में पेश होगा। मालम जब्बा में अम कमेटी के रुकन की गाड़ी रिमोट कंट्रोल बम हमले का निशाना बन गई। वालिद और चचा जहां बहक हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीरिया, चिड़ीकोट, नेजापीर और फतेहपुर के इलाकों में भारतीय फौज की फिर आबादी पर फायरिंग। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई।